हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि आपने देखा, इससे पहले इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स को स्टडी किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो, करंट की बात हो, चाहे रेसिस्टर की बात हो, सारा कुछ हमने अच्छे से डीपली वे में स्टडी कर लिया है। तो उसी वे को हम आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही आसान वे से, बहुत ही आसान भाषा में और शॉर्ट कट वे में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। ज्यादा कुछ नहीं लिखवाया जाएगा, सिर्फ समझाया जाएगा, ताकि आप आगामी एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आप क्वेश्चन को सीधे रॉकेट की तरह सॉल्व करें। तो भाई, यहाँ से कई स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर, आप थ्योरी तो पढ़ाते हैं लेकिन न्यूमेरिकल नहीं लगवाते हैं, और साथ में आप थ्योरी भी बहुत कम लिखवाते हैं। तो भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। मेरा मेन फोकस है कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत ही डीपली वे में। यानी कि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, चाहे आप थ्योरी के 50 पेज भी लिख लें, चाहे बुक को, पूरी बुक को छाप दें, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मेन पॉइंट है कॉन्सेप्ट समझाना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, ना कि रट्टा मारने से। थ्योरी का रट्टा तो कोई भी मार सकता है, अगर ऐसा होता तो कोई भी रट के चला जाता और एग्जाम निकाल दे। भाई, जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आप क्लियर नहीं कर सकते। ये बहुत ही टफ एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इनमें कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का मेन पॉइंट है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की जब भी बात होती है, यहां से आप डेफिनेशन देखिए कि डेफिनेशन क्या है। जब भी अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाती है, तो इसको बोला जाता है कि समय के साथ अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है। तो वही इस डेफिनेशन में लिख रहा है, इफ द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज चेंज विद टाइम। पोलैरिटी क्या होती है सर? पोलैरिटी बोलते हैं भैया प्लस और माइनस के जो सिंबल होते हैं ना, आप बोलते हैं कि माइनस का तार, प्लस का तार, यानी वायर बोलते हो ना आप, उसी चीज को पोलैरिटी बोला जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में। यानी प्लस माइनस को ही पोलैरिटी बोलते हैं। तो प्लस और माइनस के सिंबल का चेंज होना समय के साथ, यानी कि चेंज विद टाइम, यानी समय के साथ, क्या कहलाता है? अल्टरनेटिंग करंट। सर, इस डेफिनेशन से हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो भाई, अब आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। कि आपने जो देखा होगा, आपके घर में जो मैक्सिमम करंट आता है, आप बोलते हैं कि 230 वोल्टेज आ रहा है, या 440 वोल्टेज आ रहा है, या 11 केवी की लाइन है, ऐसे बोलते हैं ना आप। तो भैया, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। मान लीजिए 230 वोल्ट एग्जांपल के लिए लिए यार, तो वो कभी भी कांस्टेंट वोल्टेज नहीं होता है। जहां से ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस यानी इसका उत्पादन कहां से होता है? किसी भी जनरेटर से होता है, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे जो भी हो, वहां जनरेटर लगे हुए होते हैं, उनको घुमाया जाता है, तब जाके अल्टरनेटिंग वोल्टेज का उत्पादन हो पाता है। तो इसमें ऐसा होता है कि कभी तो 220 वोल्टेज, कभी 210 वोल्टेज, कभी 50 वोल्टेज, कभी 100 वोल्टेज, इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा, जब भी आप चाय बनाते हैं, तो उसमें धीरे 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 उफान आता है, और एक समय आता है बहुत तेज से उफान आता है, और फिर दोबारा से वो उफान नीचे चला जाता है। यानी कि ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, सेम टू सेम उफान की तरह होता है। यानी एक तरफ से उफान का उठना और फिर गिरना। यानी स्टार्टिंग में तो, अब इस वेव फॉर्म को देखिए जो मैंने बताया है, इस तरीके से ही तो अल्टरनेटिंग करंट का फिगर दिखाया जाता है आपको डायग्राम में। लेकिन आपको कभी समझ में नहीं आया होगा, ये आपको कभी समझ में नहीं आया होगा कि ये इसका मतलब क्या है। इस तरीके से ये टेढ़ी मेढ़ी फिगर दिखाई जाती है, इसी चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कोई भी जनरेटर है, जनरेटर तो आप जानते ही हैं, जनरेटर होता है भैया वॉइस से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसमें सारा का सारा मैग्नेटिज्म यूज होता है, यानी कि आप पढ़ चुके हैं वो पहले, ठीक है। अब इस जनरेटर को घुमाया जा रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है जनरेटर को, किसी भी प्राइम मूवर की सहायता से। तो ये क्या है, गोल गोल ही तो घूमेंगी, जो उसके अंदर कॉइल लगी है वो गोल गोल घूमेंगी। तो भैया, इसको हम गोल गोल तो पढ़ नहीं सकते। अब इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, इस गोल गोल सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और इसको कैसे प्रदर्शित किया, यानी कि ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन।
अब इसमें आधा गोला जो है इसका आधा हमने यहां प्रदर्शित कर दिया और आधा नीचे की तरफ प्रदर्शित कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहां जीरो वोल्टेज पैदा हुआ। भाई जब आपने स्टार्टिंग में उस जनरेटर को घुमाना स्टार्ट किया तो उसने स्टार्टिंग में जीरो वोल्टेज पैदा किया, फिर जैसे जैसे आप उसको हल्का घुमाए मूवमेंट कराए तो उसमें 10 वोल्टेज बना, फिर 20, फिर यहां आके उसमें क्या हो गया, यहां आके उसमें 90 डिग्री पे यानी 90 डिग्री के कोण पे इसके अंदर कुछ वोल्टेज पैदा हुआ और जैसे जैसे वो घूमता गया उसमें मैक्सिमम वोल्टेज पैदा हो गया। ठीक है, तो उसी चीज को बोलते हैं रेगुलर इंटरवल विद टाइम। उसी चीज को क्या बोला जाता है, इफ द पोलरिटी ऑफ वोल्टेज चेंज विद टाइम। तो इस जनरेटर के अंदर भैया एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ होता है साउथ पोल, हर जगह इसमें नॉर्थ साउथ पोल का कॉम्बिनेशन होता है। आप सभी ने पढ़ा था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है वो एक दिशा से दूसरी दिशा में चलती है, यानी नॉर्थ से साउथ चलेगी या पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन बोला जाता है। तो जनरेटर के अंदर भी कुछ वैसा ही होता है, तो उसी चीज को इस वेव फॉर्म पे दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है या वोल्टेज होता है वो वेव फॉर्म की सहायता से चलता है। इस तरीके से क्यों दर्शाया इसको इस वेव फॉर्म पे, क्योंकि भैया गोल गोल घूमता है तो गोल गोल तो फिगर आपको दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए इस सर्किल को, अब ये जो सर्किल है इसको दो भागों में विभाजित किया, एक आधा सर्किल ऊपर रख दिया आधा नीचे रख दिया। तो ये ऊपर वाला जो सर्कल है, ऊपर वाला सर्किल ये प्लस यानी पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाता है और नीचे वाला सर्किल नेगेटिव वैल्यू को दर्शाता है। नेगेटिव वैल्यू को मतलब बोले सर, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है जब आप चाय देखे होंगे आपके स्टोव पर तो स्टार्टिंग में चाय आपकी धीरे 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 उफान लेकर और ऊपर की तरफ बढ़ रही होगी, यानी कि जो पतीले के अंदर चाय होती है धीरे धीरे उफान लेकर ऊपर की तरफ उफान ले रही होगी, तो वो तो दर्शाता है पॉजिटिव वैल्यू को, यानी वोल्टेज का जीरो से 230 वोल्टेज की तरफ बढ़ना, यानी पहले जीरो था धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 230 वोल्टेज हुआ। तो ये ऊपर वाली जो फिगर है ये दिखा रही है उसका इंक्रीजमेंट। अब हमने बोला था, अब चाय में क्या होता है पहले उफान आता है और फिर वो धीरे धीरे घटता है, अब 230 वोल्टेज से दोबारा घटना स्टार्ट होगा और दोबारा जीरो वोल्टेज तक आएगा। तो नीचे वाला जो सर्किल होता है इस वेव फॉर्म के अंदर ये दर्शाता है उसके डिक्रीजमेंट को। अब यही प्रोसेस चलती रहती है। अब ये प्रोसेस ऐसे नहीं है कि घंटे दो घंटे में होती हो, ये प्रोसेस भैया सेकंडों के अंदर हो जाती है, यानी एक सेकंड के अंदर 50 बार होती है, इसीलिए आपको बोला जाता है 50 हर्ज की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, क्योंकि जो जनरेटर है ना वो एक सेकंड के अंदर 50 बार रोटेट यानी घूम रहा है, एक सेकंड यानी क्षण भर के अंदर 50 बार घूम जाता है, इसीलिए उसको वेव फॉर्म पे दर्शाया जाता है गोल गोल। अब आपको समझ में आया कि ये वेव फॉर्म इसलिए बनती है, यानी ऊपर वाली जो ये सर्किल है पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाता है यानी उफान को, चाय का उफान, और नीचे वाला जो सर्किल है उस चाय के उफान को नीचे की तरफ डाउन होता हुआ दर्शाता है। तो समझ में आया, जैसे जैसे जीरो से 230 वोल्टेज बोलो चाहे 11 केवी बोलो चाहे जो बोलो उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ता हुआ दर्शाता है ऊपर वाला सर्किल, ऊपर वाला एम्पलीट्यूड और नीचे वाला एम्पलीट्यूड, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड, नीचे वाला एम्पलीट्यूड दर्शाता है उसके वोल्टेज यानी उसके मैग्नीट्यूड वोल्टेज की संख्या में गिरावट को। ठीक है, तो यहां से आपको अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म वगैरह थोड़ा समझ आई, लेकिन अभी आपको 100% समझ नहीं आया। आते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग, ये तो आपको हमने बेसिक बता दिया ताकि आप अल्टरनेटिंग का सारा फंडा समझ सकें। अब अल्टरनेटिंग करंट को ही एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, वो है साइनुसॉइडल करंट। याद रखना साइनुसॉइडल करंट। साइनु क्यों बोलते हैं सर इसको, क्योंकि भैया एंगल लेके ही तो चलता है, कभी भी कोई भी कॉइल है यहां जाएगी ये एंगल बनाती रहती है ना। अब मान लीजिए ये कोई डस्टर है, ये ऐसे एंगल ले रहा है यानी कोण ही तो बनाते हैं, ऐसे है ऐसे है ऐसे है,
इस कॉइल का घूमना ही एंगल लेना बोलते हैं। तो ये साइन वेव पैदा करती है, ये एंगल लेके कोई भी जनरेटर के अंदर साइन वेव पैदा होती है क्योंकि वो रोटेट करता है भाई 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री गोल गोल घूमना साइन वेव का उत्पादन होता है, इसीलिए इसको साइनुसॉइडल करंट बोला जाता है। ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट का ही दूसरा नाम क्या है, साइनुसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। तो अब यहां से आप इसको नोट डाउन करिए, आपको नोट डाउन क्या करना है, अल्टरनेटिंग करंट नोट डाउन करना है, इस डेफिनेशन को लिख लेना है, पोलैरिटी का मतलब लिख लेना है अपनी भाषा में, ठीक है, और क्या लिखना है, इस वेव फॉर्म को बना लेना है। बाकी तो आपको मैंने अच्छे से समझा ही दिया है, और इस वेव फॉर्म का मतलब जो हमने बताए थे, इस सर्किल को 2 भागों में विभाजित करके उसको अपनी लैंग्वेज में, चाहे आप हिंदी में लिखें, मराठी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट है कि आपको समझ में आना चाहिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, मेरा फंडा है आपको समझाना। ये जरूरी नहीं है कि फिजिक्स को इंग्लिश में ही पढ़ाया जा सकता है, फिजिक्स को आपके ग्रामीण लैंग्वेज में भी स्टडी किया जा सकता है। तो यहां से इसको नोट डाउन करिए। तो अब यहां से आप देखिए कि साइनुसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए हमने कुछ लिखवाया है, क्या लिखवाया है, द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेराइज साइनुसॉइडली विद टाइम। जो आपको पढ़ाया है अब तक, जो आपको समझाया है वर्बली, वही आपको बताया है इस डेफिनेशन में, क्या बताया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है वो होता तो कई प्रकार का है, कई प्रकार का है, कई लोग उसको रेक्टेंगुलर शेप बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल शेप में भी होता है, कई प्रकार का होता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो माना गया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, वो माना गया है साइनुसॉइडल। भैया साइनुसॉइडल क्योंकि वो 360 डिग्री वेव फॉर्म प्रदान करता है और हमें हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी का उत्पाद करके देता है। अब सर ये क्या फंडा है, समझी नहीं कि साइनुसॉइडल और ये रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर वेव शेप वोल्टेज ये क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका फंडा ये है, अगर जनरेटर को ऐसे ऐसे हिलाओगे तो वोल्टेज पैदा तो तब भी होगा, यानी जनरेटर को ऐसे ऐसे कराते रहो तो वोल्टेज पैदा तो तब भी होगा, लेकिन वो भैया साइनुसॉइडल वेव का पैदा नहीं होगा क्योंकि 360 डिग्री घूम नहीं पा रहा है, पोलैरिटी कंप्लीटली चेंज नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। तो उसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर वाला, लेकिन इसका भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। तो सर ये साइनुसॉइडल वाला कब पैदा होता है, जब ये कॉइल कंप्लीटली गोल गोल घूमती है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमना ही साइनुसॉइडल नाम दिया जाता है। इसीलिए इस डेफिनेशन में लिखा है द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेराइज, यानी बढ़ता है साइनुसॉइडली विद टाइम, यानी समय के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है। समय के साथ साथ बोले तो सर भाई जब किसी जनरेटर को स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में समय 0 होगा, और जैसे जैसे घुमाओगे तो समय भी इंक्रीज होता जाएगा, और समय के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में वोल्टेज 0 होगा, और जैसे घुमाते जाओगे तो 230 वोल्टेज पैदा होने लगेगा, यूज होने लगेगा, आप बल्ब लगाओ कुछ भी लगाओ जलने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ साइनुसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग ए कॉइल विद टाइम। अब ये तो हम आपको बता चुके हैं कि जनरेटर के अंदर कॉइल होती है, उस कॉइल को समय के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता ही है, तो उसके कारण क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा होता है। और हमने आपको एक चीज और बताई कि एंगुलर वेलोसिटी, अब यहां से मेन पॉइंट क्या है, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सर ये क्या फंडा है कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अब भैया वेलोसिटी तो इसको भी बोलेंगे, इस डस्टर को यहां से यहां जा रहा है, यानी कि इसकी स्पीड को ही तो वेलोसिटी बोला जाता है। अच्छा सर, तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है इस कॉइल को लगातार कॉन्स्टेंट वे में स्पीड के साथ गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाइए, जैसे आपने जनरेटर देखा होगा तो उसको भी वेलोसिटी ही बोला जाता है, इसलिए उसमें एंगुलर शब्द आया, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाना होगा आपको बार 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 बार, यानी कि एक सेकंड के अंदर अगर 50 बार आप घुमा देते हैं तो उसको बोलेंगे 50 हर्ज, यानी कि साइकल्स पर सेकंड, इसी को फ्रिक्वेंसी बोला जाता है आगे जाके। तो इसको यहां से नोट डाउन करिए और फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
तो आपने जैसे देखा होगा कि वोल्टेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और दूसरा होता है डीसी वोल्टेज। आप सभी को पता है कि दो प्रकार का होता है, भैया बैटरी वगैरह के अंदर डीसी होता है और जो हम जनरेटर से प्राप्त करते हैं यानी जो बाहर से हमारे सर्विस मेन लाइन से वोल्टेज आता है घरों में उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोला जाता है। तो जब भी हम बात करेंगे साइनसोइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज की तो एसी वोल्टेज की बात की जाएगी, क्योंकि डीसी जो करंट होता है वो साइनसोइडल नहीं होता है। तो इतना आप याद रखिए और यहां से इस डेफिनेशन को देखिए कि साइनसोइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, अब यहां दो शब्द आ रहे हैं वोल्टेज और करंट, कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मतलब उसको लिखा जा सकता है बाय द इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि उसको लिखने का तरीका फॉर्मूला वाइज, यानी फॉर्मूले की भाषा में किसी भी थ्योरी को लिखना इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहां से जब भी वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे स्मॉल v, ये है स्मॉल v इक्वल्स टू कैपिटल वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी। दोबारा से सुनिए, स्मॉल v इक्वल्स टू कैपिटल वी एम साइन ओमेगा टी। और सर करंट को कैसे लिखेंगे, करंट को भी ऐसे ही लिखेंगे स्मॉल i इक्वल्स टू कैपिटल आई एम साइन ओमेगा टी। सर हमने तो सुना था, हमने देखा भी था कि वोल्टेज को डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाता है 230 वोल्ट ऐसे लिख दिया जाता है। साइनसोइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज नहीं होता है, वो डीसी के समांतर लिखा जाता है। जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात होगी तो इतनी लंबी वेव फॉर्म लिखी जाएगी, ठीक है। तो सर इसको कैसे लिखेंगे हम 230 वोल्टेज को एसी की फॉर्म में, इसको लिखेंगे स्मॉल v इक्वल्स टू 230 साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखा जाता है जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात होती है, यानी साइन के साथ यानी एंगल के साथ, क्योंकि भैया जनरेटर गोल गोल घूमता है साइन एंगल की फॉर्म में घूमता है यानी साइन वेव का निर्माण करता है, इसीलिए इसको लिखा जाता है स्मॉल v इक्वल्स टू वी एम। सर ये वी एम क्या है, ये फंडा क्या है, अब उसी चीज को तो लिखवाने वाले हैं आप। हमने बताया था आपको स्मॉल v इक्वल्स टू कैपिटल वी एम साइन ओमेगा टी। तो इतनी लंबी जो इक्वेशन लिखी है इसका मतलब क्या है, उस चीज को आप समझिए। इसमें जो स्मॉल v लिखा है, ये जो स्मॉल v लिखा है इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। आपने एक शब्द सुना होगा इंग्लिश के अंदर इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, तुरंत फास्ट एक्शन तुरंत, तो इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब भी इमीडिएटली यानी तुरंत, इंस्टेंटेनियस का मतलब भी तुरंत, तुरंत ही होता है, याद रखिए। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी एंगल पर, किसकी वैल्यू सर, यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू, यानी साइनसोइडल जो बोल रहे हैं उसका एक और नाम निकल के आता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। पहला नाम अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दूसरा उसका आता है साइनसोइडल वोल्टेज और तीसरा नाम आता है इंस्टेंटेनियस, याद रखिए इमीडिएटली वोल्टेज नहीं सर, इंस्टेंटेनियस। तो भैया एक ही तो बात है, इमीडिएटली बोलो या इंस्टेंटेनियस बोलो, यानी कि सर इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, अब ये जनरेटर घूम रहा है, ये जनरेटर घूम रहा है तो इसमें आप देखते हैं कि 230 वोल्टेज बोलते हैं या 11,000 वोल्टेज बोलते हैं या 440 वोल्टेज बोलते हैं कि इतना वोल्टेज पैदा हो रहा है, ठीक है। तो इसकी सर्किल है 360 डिग्री का सर्किल है, तो 360 डिग्री का सर्किल ही होता है किसी भी जनरेटर का, तो पूरे में कहीं भी चेक कर लो 360 डिग्री में 230 वोल्टेज पाएगा या कुछ भी पाएगा, मैक्सिमम ही तो पाएगा यहाँ 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 कहीं भी, यानी इस वेव फॉर्म पे। सर आप बोले थे कि जब चाय का उफान आता है तो कहीं भी चेक कर लो, चाहे आधी पतीली में हो, चाहे पतीली के ऊपर हो, चाहे निकलती हुई चाय हो, उफान तो उफान ही है सर, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब मैक्सिमम उफान आता है, अब आप ये पतीली देखिए, इस पतीली में उफान तो इसको भी बोलते हैं कि इतना उफन रही है चाय, यानी जो बबूले उठ रहे हैं पानी के अंदर बहुत तेजी से, इसको भी तो उफान बोलते हैं, और भैया इसको भी उफान बोलते हैं, और इतनी ऊंची उठ जाती है चाय उबल के उसको भी उफान बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसको बोलेंगे सर, अब इसमें कहीं भी चेक कर लीजिए, यहां चेक कर लीजिए, यहां चेक कर लीजिए, यहां चेक कर लीजिए, तो इमीडिएटली चेक करना ही इंस्टेंटेनियस बोला जाता है।
लेकिन बात यह है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो हमेशा मैक्सिमम की चेक की जाती है। तो कहाँ चेक करेंगे इंस्टेंटेनियस, यहाँ चेक कर लेते हैं, हमेशा मैक्सिमम वाली को चेक करते हैं। यानी उफान तो सभी हैं लेकिन मैक्सिमम वाले उफान की वैल्यू चेक की जाती है, यानी तुरंत अचानक से, यानी इसीलिए इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यानी किसी भी एंगल पे। अब ये जनरेटर घूम रहा है गोल गोल, इस पे यहाँ चेक कर लो यहाँ एंगल पे, यानी कि 20 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के पे चेक कर लो, यानी 180 डिग्री पर चेक कर लो, यानी 270 डिग्री पे, यानी एंगल बनाता है, किसी भी एंगल पे आप वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इंस्टेंटेनियसली। अच्छा सर, इंस्टेंटेनियस का मतलब बिल्कुल समझ गए। अब नेक्स्ट आपने लिखा है कैपिटल वी एम, कैपिटल वी एम इसका मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां सबसे ज्यादा उफान है तो वोल्टेज की वैल्यू यहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, यानी यहां 230 वोल्टेज है, यहां 210 है, यहां 0 डिग्री, और यहां ऐसे बढ़ता गया है ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे चेक करना ही। अब सर हम ये नहीं समझे कि यहां आपने स्मॉल वी लिखा और यहां कैपिटल वी लिखा, तो भैया जब एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम तो अलग अलग तो लिखा ही जाएगा, अब दोनों को राम थोड़ी ना लिख देंगे। तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस वाले को स्मॉल वी से दर्शाया और मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल वी से दर्शाया और नीचे एक छोटा सा एम लगा दिया इसमें, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट एनी एंगल, और इसी को पीक वैल्यू के नाम से जाना जाता है, पीक वैल्यू। अब ये पीक वैल्यू याद रखना कि पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये आगे जाके पावर फैक्टर में आपको सर दर्द करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर ओमेगा टी, ओमेगा क्या है सर, ये जो डब्लू सा लिखा है, डब्लू सा, ये डब्लू नहीं है, इसका नाम है ओमेगा, याद रखना ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। इस ओमेगा का बहुत बड़ा राज है, यानी कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है तो उसी को ओमेगा बोला जाएगा। आधा घूम रहा है आधा सर्कल तो इसको ओमेगा नहीं बोलेंगे, यानी एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमना ही ओमेगा बोला जाता है। यानी ओमेगा सिंबल किसका है सर, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ही ओमेगा होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि ये जो वेव फॉर्म है ये आपको देखने में तो बहुत सादा लग रही है, लेकिन इसने पूरा का पूरा चैप्टर एक ही क्वेश्चन के अंदर लिख दिया। सबसे पहले इसने बोला कि हमने चेक करा वोल्टेज को इंस्टेंटेनियसली, इस वी ने बोला, कहाँ चेक किया आपने, हमने सर चेक किया वीएम, वीएम बोले मैक्सिमम वैल्यू को चेक किए हैं। अच्छा आगे चलिए, साइन क्यों बोले, साइन सर हम इसलिए बोले क्योंकि गोल गोल घूम रहे हैं, साइन वेव बना रहे हैं। अच्छा ओमेगा क्यों लिख दिया भैया, ओमेगा इसलिए लिख दिए एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा राज छिपा है इस फॉर्मूले में, यानी कि दोबारा सुनिए, V मतलब तुरंत चेक करना, Vm मैक्सिमम वैल्यू को चेक करना, साइन गोल गोल घूमना, साइन वेव बनाना, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी गोल गोल घूमने को ही बोला जाता है। तो कभी भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात होगी या करंट की बात होगी तो ये वाली इक्वेशन का यूज होगा। तो सर आपने करंट वाली भी लिखवाई थी ना, हाँ बिल्कुल लिखवाई थी, जहां जहां इसमें वोल्टेज शब्द आ रहा है वहां करंट लिख दीजिए, यानी करंट में भी इंस्टेंटेनियस करंट, मैक्सिमम करंट और एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम ऑफ करंट, यानी करंट में भी सेम ही फंडा है और वोल्टेज में भी सेम ही फंडा है, इसलिए यहां लिख दी हमने वोल्टेज और करंट के लिए, दोनों के लिए ही लगेगा ये, ठीक है। तो यहां से इसको सारा का सारा नोट डाउन करिए, और ये वाला जो एग्जाम्पल है चाय वाला ये जरूर याद रखना, ये आगे जाके आपको यूज आने वाला है। जब तक इस एग्जाम्पल से आप नहीं समझेंगे तो इस चैप्टर को समझ ही नहीं सकते आप। तो अब यहां से ये याद रखना कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है स्मॉल वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है आई एम इक्वल टू साइन ओमेगा टी। कभी भी किसी सर्किट में आपने देखा होगा कि वोल्टेज लगाते हैं उसकी वजह से ही करंट पैदा होता है, तो जैसे ही आप वी स्मॉल वी अप्लाई करेंगे किसी भी सर्किट पे तो उसी के कारण करंट पैदा होता है, ठीक है। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये करंट और वोल्टेज का फंडा क्या है, किसी भी सर्किट में
वोल्टेज के कारण ही करंट पैदा होता है। आपको एक चीज और बता देते हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सबसे पहले किसी भी जनरेटर के अंदर वोल्टेज होता है, वोल्टेज के कारण ही करंट पैदा होता है। दोबारा सुनिए, कहीं भी सबसे पहले वोल्टेज होता है, वोल्टेज के कारण ही करंट पैदा होता है, और करंट से ही फ्लक्स बनता है, और फ्लक्स से दोबारा करंट बन जाता है, और करंट के कारण ही दोबारा वोल्टेज बनता है। इसलिए बोला जाता है ना इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सकता है, ना ही कभी खत्म किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में भी ये उपदेश बोला था, ऊर्जा न कभी खत्म होती है ना ही कभी बनाई जा सकती है। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी, यानी कि इसको अदर फॉर्म्स में चेंज किया जाता है, रूप बदला जा सकता है। अब वोल्टेज के कारण करंट बना, करंट का ही दूसरा नाम फ्लक्स रख दिया, फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाए, और फ्लक्स से ही दोबारा करंट पैदा कर लिए मैग्नेटिज्म के अंदर, और करंट से ही वोल्टेज बना लिए। तो यह सारा फंडा है, आप समझ जाना कि वोल्टेज के कारण ही ये वेवफॉर्म पैदा होती है। मेन पॉइंट है वोल्टेज, यानी स्मॉल वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जिसके कारण ही किसी सर्किट में करंट पैदा। कन्फ्यूजन वाला पॉइंट, कोई आपसे पूछ लेगा कि ये जो वोल्टेज होता है भारत में 50 हर्ज फ्रिक्वेंसी का यूज किया जाता है, तो क्या करंट भी 50 हर्ज फ्रिक्वेंसी का ही यूज करते हैं? तो भैया, तो करंट और वोल्टेज दोनों ही 50 हर्ज फ्रिक्वेंसी के यूज किए जाते हैं भारत के अंदर, और अमेरिका के अंदर 60 हर्ज, और अलग अलग देशों के अंदर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहां से भारत का याद रखना कि वोल्टेज और करंट दोनों ही 50 हर्ज फ्रिक्वेंसी के यूज करता है भारत।